व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर एंड्रॉयड ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कॉल बैक कैसे बनता है, अडॉप्टर से मेन एक्टिविटी पे हम वैल्यू को कैसे लेकर आते हैं, या किसी और क्लास से वैल्यू किस तरह हमारी पेरेंट एक्टिविटी में हम या पेरेंट क्लास में वैल्यू ले आते हैं। तो व्यूअर्स, मैं इस जो ये हमारी पोस्ट है, मैं इसी को एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक, इसी में हम एक कॉल बैक बना लेते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक सी लेआउट थी, तो इस पर हम एक ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं, इमेज व्यू लगा देते हैं और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं एडिट एडिट वैल्यू एडिट इमेज, ठीक है। और इसका अगर कोई मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है तो एंड्रॉयड से उठा लेते हैं, कोई एंड्रॉयड ड्राइवर, एरो, बॉटम बार ज़्यादा हो गया है, एरो नहीं, ये पहला आपका मैंने ये एक इमेज बना लिया है, जस्ट आपको इसको अलाइन करके साइज दे देते हैं और इसको ट्रेनिंग दस फीट दे देते हैं ताकि साइज का सब बड़ा हो, ठीक है। अब मैं अपना कॉल बैक बना लेता हूँ। यहाँ पे व्यूज मैं आपको कहा था कि पैकेज रखें, तो कॉल बैक का एक हम पैकेज बना लेते हैं और इसके अंदर हम कॉल बैक की एक इंटरफेस बना लेते हैं। यहाँ पर एक आन क्लिक नहीं क्लिक डुप्लीकेट है, कोई भी नाम रख लेते हैं, जो भी डिफाइन नेम रख लेते हैं, एडिट इमेज कॉल, ठीक है। और इसको हम इंटरफेस भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं प्राइवेट वाइट ऑन ऑन क्लिक फैच नेम बाई कॉन, ये मेरा मेथड है और इसके अंदर हम नेम का पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको जहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए वहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। जहाँ पे वैल्यू लेकर आना है वहाँ पे हमेशा इसको इम्प्लीमेंट करना, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर इसका ओवरराइड मेथड नहीं है, सॉरी, इसके ठीक है। यहाँ पे हम पोस्ट शो कर देते हैं, यहाँ पे नेम डॉट पोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो, ठीक है। ये हम चाहते हैं अडॉप्टर में ये हमारे यहाँ पे हम इसका इंस्टेंट बना रहे हैं प्राइवेट, यहाँ पे इमेज कॉल बैक का नाम रखा था, उसका था एडिट इमेज कॉल बैक एडिट कॉल बैक कंस्ट्रक्शन में आप इसका रेफरेंस पास करेंगे, एडिट इमेज कॉल बैक और दिस डॉट एडिट इमेज कॉल बैक इक्वल टू, यहाँ इसको हम सेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि बर्निंग के थ्रू इस पर हम लिसनर लगा देंगे, ठीक है। लगा देते हैं डॉट बाइंडिंग डॉट एडिट इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन, ठीक है। और इसके अंदर हमने एडिट इमेज कॉल बैक डॉट फेच इमेज नेम
करना है कंट्री डॉट गेट नेम, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसका रेफरेंस पास करना भूल गए हैं, हम इसका रेफरेंस पास। अब देखते हैं क्या होता है। कभी भी आप सारा काम अडाप्टर में ना करें, अडाप्टर की वैल्यूज को एक्टिविटी में लेकर आएँ और एक्टिविटी से मज़ीद आगे आप प्रोसीडिंग करें। अब देखें यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर इसमें इसको वेरीफो कर दिया, ठीक है। इस पर मैं करता हूँ मलिक मुलाकात, देखें ठीक हो गया। इस तरह आपको इसके अंदर कोई भी वैल्यू फैच कर सकते हैं कंट्री में, ये हमारी वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा। डियर व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद मैं मास्टर सेकुलर व्यू बनाऊंगा, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो मिल जाए और डी कोडी पे ये ट्यूटोरियल अवेलेबल हो जाएगा। पेज को लाइक करें यहाँ पे आके ताकि आपको लेटेस्ट मेरी पोस्ट और वीडियो दोनों मिलती है।